गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? हम सब ठीक है। आज 12 रमज़ान है। 12 रमज़ान आप सबको मुबारक हो। मैं सहरी भी मेरा हो गया, नमाज भी मैं पढ़ ली, बच्चों का स्कूल भी है, बच्चे आज स्कूल जाएंगे, लगभग रेडी हो गए। छोटे वाले को तो मैंने रेडी कर दिया, मोबाइल देख रहे हैं, और बड़ी वाली इधर रेडी हो रही है। और इन लोगों का मैंने लंच पे पैकिंग कर दिया। आज इन लोगों को दी रोटी, पनीर की भुजिया, और कल मैं शाही टुकड़े बनाई थी वही दे दी, और पानी। अभी मैं जा रही कुछ खाने के देने के लिए। अंडा उबालना तो मैं भूल ही गई। अभी मैं स्कूल को दे देती हूँ, उन लोग को स्कूल भेज के, फिर मैं थोड़ा आराम रिलैक्स करूँगी। चलो, कुछ ऐसा नज़ारा है, ठंड है बाहर। मौसम ठंडा है। चलो चलेंगे स्कूल, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। रेस्ट करूंगी, उसके बाद घर का साफ सफाई वगैरह करूंगी। तो उसके साफ़ सफाई करने में बच्चे तो आ ही जाएंगे, तब तक बच्चे स्कूल से आ ही जाएंगे। मिलते थोड़ी देर के बाद। क्लीन वगैरह हो गया, दीदी भी आके काम करके चली गई, मेरा भी घर काम क्लीन वगैरह मैंने भी कर लिया। दीदी भी झाड़ू पोछा लगा के चली गई, बर्तन धो के चली गई। खाना कुछ नहीं, सवेरे मॉर्निंग में पनीर की सब्जी था, वही बच्चों के लिए दाल बना दी, चावल भी रखा हुआ है, दाल को धोती थी। और मैं नहा, फ्रेश भी होकर नहा धो भी लिया, अभी अभी वजू भी बना ली। अब जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज़ पढ़ते बच्चे भी आ जाएंगे। बच्चे स्कूल से आने के आ भी गए, खाना भी खा भी लिए, और अभी जा रहे दोनों बच्चे मेरे ट्यूशन में। अभी मेरे को राशन का स्लिप भी लिखना है यार, ठीक है? अच्छे से ये कर ले, राशन का स्लिप लिख कर फिर मैं जा रही हूँ किचन में, इफ्तारी का पकौड़ा वगैरह बनाती हूँ। मुझे कौन सा बैग लेके जाना है? कौन सा बैग लेके? उसी बैग को लेके चले जाओ ना, वो ट्यूशन स्कूल वाला कॉपी निकाल दो। बोतल, बोतल पानी चाहिए होगा तुझे? वहाँ पे है मम्मा। पानी है तो ठीक तो है, लंच बॉक्स निकाल दो। अरे मैं भी अपना शाही टुकड़ा खाना भूल गई। खाना ही नहीं था शाही टुकड़ा, खाना भूल ही नहीं, खाना ही नहीं था तुम लोग को। अरे नहीं सही है। होमवर्क कुछ दिया है ट्यूशन से? नहीं। स्कूल से होमवर्क दिया है? क्या दिया है? नहीं। कुछ भी नहीं दिया ना? ट्यूशन के लिए ये लेके जा, पेस फार फार के इसमें खत्म करके रखा हो इस लड़के ने। क्या दिया है? क्या दिया है? फिर इनका बैंक से कुछ और ट्यूशन कर देगा। हाँ ट्यूशन भी करवा देना। तुम सारी बुक्स लेके जाओ, क्या पता कौन सी बुक पढ़ाई। हाँ या फिर रीडिंग करा सकती हूँ। पेन पेंसिल लिया? हाँ सर, देख लेते हैं पता चल जाएगा। हाँ सब है, सब है, अच्छा है, अच्छा बच्चा है। चलो बढ़िया से जाना, वहाँ पहुँच के फोन करना, ठीक है? अगर ठीक है ना, अभी आप इफ्तारी बनेगा ना तो खाना पैसा दे रहे, बनाना ला के दे रहे हैं अंजल। बेटा अच्छे से पढ़ना, ठीक है? ये जूते क्यों पहन के जा रहा है? चलो भाई फोन लिए। बाय बाय, बढ़िया से पढ़ना, ठीक है बेटा? उसको बोलना इसको कुछ नहीं आता है। ट्यूशन अभी मैं महीने के राशन का स्लिप लिखती हूँ,
उसके बाद फिर किचन में जाते इफ्तारी के लिए कुछ बनाने के लिए। ऐसा कुछ ज़्यादा खास बनाऊंगी भी नहीं, इधर मेरे पकौड़े तल रहे, बस लगभग इफ्तारी का ये सब रेडी हो ही रहे। अब फ्रूट्स काटना है, बस कुछ ज़्यादा बनाई नहीं, मन नहीं करा कुछ करने के लिए। रोज़ा जितना आगे बढ़ रहा है उतनी थकान हो रही है। बस ये बन जाएगा, फिर अभी बस बेसन तल कर के ब्रेड का बना दूंगी, बस हो जाएगा। यहाँ बच्चे लेटे हुए हैं इफ्तारी करके, इफ्तारी हो गया है हम लोग का, इफ्तारी हो गया। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मैं तो रोजा के वजह से मैं तो बाहर निकलती नहीं हूँ, अभी इफ्तारी के बाद ही बाहर जा रही हूँ। सब्जी वगैरह लेके अभी आती हूँ, फल फ्रूट वगैरह भी ख़त्म हो गए लेके आती हूँ, राशन का स्लिप भी दे के आती हूँ बस। और पता ही है रमज़ान में आपको सब्जियों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, प्याज वगैरह ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वही सब लाने के लिए जा रही हूँ। बस बच्चे अभी यहाँ लेटे हुए हैं, अभी कल स्कूल भी है उन लोगों का, अभी फटाफट में। हाँ अरे उस फटाफट कर देना, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ अभी करके रख दो, दीदी आई के बर्तन धुला देना। क्या अखिल फुल पहन के गया था? अखिल कौन विंटर ड्रेस पहन के गया है? मैम कुछ बोले नहीं? वो कुछ भी नहीं बोले, पता नहीं है। अरे मत तने, स्कूल का जरूर है वो तो है। ठीक है मैं पहले आती हूँ मार्केट से सब्जी भी लेके आती हूँ। और दीदी आएगी तो बर्तन धुला लेना। आ गई मैं मार्केट से फ्रूट वगैरह लेके आई हूँ। और क्या क्या है तुमको ये सभी तक रखने की ज़रूरत क्या है? चलो मैंने फ्रिज में मत रखो, डब्बे में डाल दो। सवेरे ये बना पराठा बना देने ब्रायन को, ये बनाना, ये चिकन। मार्केट से भी मैं आ गई, मार्केट से फ्रूट वगैरह लेके आई, सब्जी वगैरह लेके आई, क्योंकि बच्चों का स्कूल भी, स्कूल खुल गया तो बच्चों को स्कूल में लंच बॉक्स में देना पड़ता है, फ्रूट वगैरह देना पड़ता है। और इसी वजह से मैं गई मार्केट, और घर में सब कुछ ख़त्म भी हो गया था, और रोज़ा रख के दिन भर जाया नहीं जाता कहीं पर भी, इसलिए इफ्तारी खोलने के बाद मैं गई, थक गई। राशन का स्लिप भी दे के आई, अभी राशन आएगा, पता नहीं कब तक आएगा, देखे तो आ गई, देखते संडे तक आ जाएगा। कल बच्चों का स्कूल भी, इसको रख दो अच्छे से, नहीं छोटा सा प्लेट में ले कर रख देना, फ्रीज को पूरा ये मत करना। कल बच्चों का स्कूल भी है, और आज आयन ट्यूशन भी गया ना, आयन फर्स्ट टाइम गया ट्यूशन, आयन है ना, आयन कल स्कूल भी है, और बच्चे सवेरे के जगे हुए हैं, दिन में सोए भी नहीं है। बस इसी के साथ आज का ब्लॉग यही है, इनके तो मिलती है एक नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़, और धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ भी रहे हैं। थैंक यू, आप लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, ऐसी इसी तरह आप मुझे और सपोर्ट करो, मैं और आगे तक जाऊं।